अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ अभी सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था तो एक दो पोस्टें देखी जो मेरी नज़र से गुज़री कराची से मुतल कराची की जो बारिश है उससे मुतल लिखा हुआ था कि भुट्टो मर गया लेकिन सिंध डूब गया एक पोस्ट में लिखा हुआ था भुट्टो ज़िंदा है लेकिन सिंध मुर्दा है एक पोस्ट में लिखा हुआ था कि जनाब भुट्टो कल भी मुर्दा था भुट्टो आज भी मुर्दा है ये किस भुटो की बात हो रही है पाकिस्तान की दो दफ़ा की रहने वाली वज़ी अज़म इस्लामी दुनिया की पहली ख़ातून वज़ी अजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के वाल शहीद जुल्फ़ार अली भुट्टो की बात हो रही है जो कि पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ी अजम थे जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गरीब और मज़दूर की आवाज़ को उठाया उनके मतलब ये बात की जा रही कि वो मुद्दा है वो मर गया और ऐसा है तो वैसा है कहते हैं लोग पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी होती है सियासत में सब कुछ जायज़ होता है पहले तो ये नारा था कि जनाब इश्क में सब जायज़ है हालांकि वो भी ग़लत नारा है लेकिन अब ये कहा जाता है कि सियासत में सब कुछ जायज़ है आप किसी को कभी भी कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं और इसकी किसी किस्म की कोई एफ़ नहीं बनती बात करते हैं कराची की बारिश की कराची में बारिश हुई बहुत बारिश हुई एक्स्ट्रा बारिश हुई हर साल होती है लाहौर में भी होती है कोटा में होती है पेशावर में होती है दुनिया के बहुत सारे जो तरक् याफ़्त तरक्की पजीर ममालिक और जो बिल्कुल छोटे कमज़ोर से ममालिक है, जो पाकिस्तान से भी कमज़ोर है वहाँ पर भी बारिशें होती हैं सिचुएशन ऐसी गड़बड़ सूरत हाल बन जाती है कोई बड़ी बात नहीं लाहौर में हमने कई बार देखा हालांकि पाक लाहौर के अंदर वासा का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो कराची से कई गुना बेहतर है लेकिन हम देखते हैं जब लाहौर में बारिश ज़्यादा होती है तो पानी खड़ा हो जाता है इसी तरह इस तरह की सिचुएशन नहीं होती जो कराची में तो इस तरह गाड़ियाँ बहा के लेगी बच्चे बहा के ले गए औरतें वहाँ पर परेशान थी कुछ औरतें मैंने खुद देखा गटर में उनका पाँव हड़ा हुआ पानी ऊपर से आ रहा है यहाँ यहाँ तक उनका पानी था गुड गवर्नेंस किधर है कराची की ये सवाल ज़रूर बनता है बारह साल से मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची समेत पूरे सिंध में हुकूमत कर रही है इससे पहले अगर नवाज़ शरीफ से हुकूमत से पहले देखते तो पाँच साल वफाकी वफाकूमत भी सिंध के जो है वफाकीकूमत जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही वज़ी अजम पीपल्स पार्टी का था सदर पीपल्स पार्टी का था सिंध का वज़ी अल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था लेकिन क्या किया उन्होंने नहीं किया कुछ वो पैसे कहा गए खाए गए जाहिर सी बात है अगर लगे नहीं पैसे वो तो खाए गए किसने खाए जब ने खाए बिलावल ने खाए मुराद अली शाह ने खाए सारे पीप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके नीचे लगे ब्यूरोक्रेट उनके अपने जो है जो उन्होंने लगाए गए जो ईमानदार इनके अफसर हैं उनके मुताबिक उन लोगों ने खाए जिसमें उन्हें वो बलोच भी शामिल है क्योंकि वो बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था कोई इसमें बड़ी बात नहीं है सियासत के अंदर करप्शन करना जायज़ समझा जाता है अब नवाज शरीफ को बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो करप्ट नहीं है बड़े बड़े दानश्वर सहाफ़ी लोग जो अपने आप को कुछ समझते हैं वो कहते हैं कि भाई ये तो फरिश्ता है हालांकि सबको पता है कि पंजाब का जो इतना बड़ा बजट था कहा जाता रहा? कैसे नवाज़ शरीफ का जो कारोबार है दिनों में इधर से इधर चला गया और आम इंसान का कारोबार दिन ब दिन गिरता गया हम अपने टॉपिक से बहुत आगे पीछे हो रहे हैं क्योंकि सियासी गुफ्तु ही ऐसी होती है बात करते हैं उस तस्वीर की जो मैंने देखी भुटो साहब को फांसी हो चुकी है सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन में ठीक है अगर भुटो ना होते कुछ लोगों के मुताबिक और मेरा अपना भी ये एक मताला है मैंने देखा है मैंने पढ़ा है मैंने सुना है कि अगर भुटो ना होते तो शायद पाकिस्तान आज एटमी पावर ना बनता पाकिस्तान के अंदर शायद आज हर कोई छोटा बंदा भी उठ कर सियासत ना करता सियासतदानों पर तनकीद ना करता इसम्बली के ऊपर तनकीद ना करता बहुत बड़े बड़े कवानी कुवान, उन्होंने बनाए उनकी इसम्बली ने पास किए जिसमें हम ये जो शावर का कल का वाक़ हुआ जो मैंने अभी इससे पहले वीडियो बनाई इसके ऊपर तो जो ये कानून बनाया हुआ है जो कादियानियों को दायरा इस्लाम से ख़ारिज करवाया हुआ है इसमें भी भुटो साहब का ही हाथ था लेकिन हमने बारिश के अंदर भुटो की बेहरमती की भुटो को इस तरह तस्वीरें बना कर यार अगर आप सोचे आपके वालदेन में से किसी की तस्वीर गटर के ऊपर लगा दी जाए तो आप लोग इस बारे में क्या सोचेंगे मैं पहले बता दूं मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी किस्म का हिमायती नहीं मैं इससे पहले बता चुका हूं कि 12 साल उन्होंने वहाँ पे राज किया खाया पिया लूटा कराची को उन्होंने बर्बाद किया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ है एम के एम का हाथ है और अब कराची में पी टी आई का भी हाथ है करप्शन में क्यों भाई तुमने वहाँ से वोट लिया है वहाँ से तुमने सीटें इकट्ठी की है तुम सिंध असम्बली में अपोजिशन बना चुके हैं कराची के अंदर तुम्हारे पंद्रह सोलह एम एन एज हैं लेकिन तुम फिर भी काम नहीं कर रहे इसका मतलब ये कुछ हो रहा है ना कराची का पैसा कहीं और जा रहा है जहाँ लगना चाहिए था वहाँ पर नहीं लग रहा तो मैं ये वाजह कर दूँ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किसी किस्म का कोई हावी नहीं ना मैं पार्टी हूँ लेकिन इस तरह उनकी तस्वीरें गटर मैंने यकीन करें ये भी देखा कि बेनज़ीर की तस्वीर को गटर पे लगाया हुआ कि ये भी मुर्दा है और अली भुट्टो की ये भी मुर्दा है बिलावल के बारे में हालाँकि बिलावल की सियासत तो अभी शुरू हुई है बहुत सी खामियाँ हैं उसकी सियासत में बहुत ज़्यादा लेकिन आप बिलावल को करप्ट नहीं कह सकते करप्ट किस तरह नहीं कह सकते क्योंकि वो तो आए ही पाकिस्तान अभी हैं और इससे पहले जो इल्ज़ाम है वो उनके वालिद के ऊपर थे उनके वालिद का कैरियर उनके वालिद की ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं आजकल उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर मैं टॉपिक से हट रहा हूँ और समझाना बस यही था इस वीडियो में कि जो गुजरे हुए लोग होते हैं उनकी इस तरह की बेहरमती ना किया करें सियासी आड़ में आपके सियासतदान आपको जो है अगर आपको कहते भी है कि इसके खिलाफ इस तरह कम्पेन चलाते हैं मैं हर पार्टी में चलता है कि ट्विटर के ऊपर बाकायदा टीमें बैठी हुई उनको पैसे दिए जाते हैं कि ट्रेंड्स चलाना है हमने इस चीज़ के खिलाफ हमने ट्रेंड्स चलाना है उस चीज़ के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी इस तरह बैठे हुए हैं ट्रोल्स कहा जाता है पी एम एल एन में भी बैठे हुए हैं पी टी आई में भी बैठे हुए हैं इवन कि मौल्फजमान की जमात में भी एन पी में भी बैठे हुए हैं लेकिन अगर हम अपनी लाशों की अपने जो जो हमारे गुजरे हुए लोग हैं जो वफात पा चुके हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर थे या नहीं थे उन्होंने जुर्म किया नहीं किया उनकी जो तस्वीरों को इस तरह हम आवेजा करेंगे क्योंकि जुल्फ़ार अली भुट्टो अगर आपके लिए वो पाकिस्तान के एक मुजरम थे तो बहुत सारों के लिए वो एक हीरो भी थे आज भी हीरो है आप जब भी सियासत करते हैं तो आप एंटी बुट्टो या प्रो बुट्टो सियासत सी करते हैं यही कहा जाता है कि जिंदा है बुट्टो अब ये जिंदा है बुट्टो जो है ये क्या है नारा ये फिर कभी आपको समझाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं कि बुट्टो जिंदा है इसका मतलब ये नहीं कि बुट्टो साहब यहाँ पे ज़िंदा है क्योंकि हर जगह मौजूद रहने वाली जात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है इसके अलावा कोई हर जगह लेकिन उनके काम ज़िंदा है जिस तरह के हम खत्म नबूवत का कानून देखते हैं उन्होंने दिया उनका दिया हुआ आइन एटमी पाकिस्तान बनाने के लिए उनकी जो कोशिशें थी वो सब उसमें उनका हिस्सा है बहरहाल उन पर इल्ज़ाम थे उनको फांसी दी गई और कहा जाता है कि वो एक अदालती कत्ल था आज भी उस कत्ल का कुछ पता नहीं चल सका क्या हुआ कैसे हुआ जो भी था आप सबको पता है तारीख से लेकिन बरए करम सियासी आड़ में सियासी जंग में सियासी जुगतबाजी में सियासी ट्रोलिंग के दरमियान गुजरे हुए लोग जो होते जो वफात पा चुके होते उनकी तस्वीरों को ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल ना किया करें आज यहाँ पर कुछ लोग आपकी तस्वीर देख के इंस्पायर हो जाएंगे कुछ लोगों को गुस्सा आएगा लेकिन आगे आपने अल्लाह को ज़रूर जवाब देना होगा मेरा भाषण अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि अपना ख्याल रखिएगा पाकिस्तान